नमस्कार दोस्तों, ऑप्शन ज्ञान चैनल में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो मैंने कंपाउंड इंटरेस्ट की पावर बताने के लिए बना रखा है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं बताना चाहता हूँ कि मार्केट में आप बहुत ज़्यादा कमाने के ऊपर फोकस मत करो। अगर आप मार्केट में केवल 20 या 30% भी ईयरली कमा लेते हैं तो ये भी बहुत ज़्यादा माना जाता है। दोस्तों, एक्चुअल में दोस्तों होता क्या है कि मार्केट में ना पैसा बनाना ही अपने आप में काफ़ी चैलेंजिंग टास्क है। लोग यहाँ पर मार्केट में पैसा गवा देते हैं, अपना विकेट गिरा देते हैं। आप मार्केट में अपना विकेट बचा के ले जाओ और एक लंबा टाइम पीरियड आप मार्केट में स्पेंड कर दो तो दोस्तों आप देखोगे कि आप काफ़ी अच्छे प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन चुके हो। आपको केवल अपना विकेट बचाना है। और मैं कहना चाहता हूँ कि आप अपने पैसे को ऐसा मत सोचो कि मैं 1 साल में डबल कर दूँगा या 2 साल में डबल कर दूँगा। आप बहुत छोटा अमाउंट लेके चलो। मैं केवल आपको बताऊँगा कि अगर आप केवल 25% अगर आप ईयरली कमा ले जाते हैं मार्केट से, जो कि दोस्तों इतना मुश्किल भी नहीं है अगर आप कोई भी फंडामेंटल स्टॉक जिसका काफ़ी फंडामेंटल काफ़ी स्ट्रॉन्ग है उन्हीं स्टॉक को अगर आप बाय करते हैं, उनमें इन्वेस्ट करते हैं तो 25% आप ईयरली कमा सकते हैं। अगर आप 25% एक दो स्टॉक में हो सकता है कि आपको काफ़ी अच्छा रिटर्न मिल जाए, लेकिन हो सकता है कईयों में स्टॉप लॉस भी लगे, कुछ आपके डबल भी हो जाएंगे कुछ दिन मतलब 2-3 साल के अंदर, लेकिन कुछ हो सकता है कि आपके एसएल लेके चले जाएं। तो ओवरऑल मैं कह रहा हूँ कि और शुरू शुरू में स्टार्टिंग में हो सकता है आपको काफ़ी अच्छा खासा लॉस भी हो जाए। तो आपको केवल एक मनी मैनेजमेंट करना है ताकि आपका कैपिटल बचा रहे, आपका विकेट बचा रहे मार्केट के अंदर, आप सर्वाइव कर सको और एक लंबा टाइम दे पाओ। ये सारा कुछ होने में अगर आप ईयरली 25% कमाने में भी ईयरली आपने 25% भी कमा लिया तो दोस्तों वो भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा। मैं आपको दिखाता हूँ, ये ग्रो की साइट पर जाके मैंने कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेटर निकाला है। ये आप किसी भी साइट पर जाके कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेटर निकाल सकते हैं। गूगल पर सर्च करिए कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेटर, आपको मिल जाएगा। दोस्तों, मैं यहाँ पर 1 लाख रुपये इन्वेस्ट करता हूँ आज की डेट में, और मैं मान के चल रहा हूँ कि मैं 25% ही केवल मार्केट से लेना चाहता हूँ। मैं ऐसा नहीं सोचता हूँ कि मेरी कैपिटल 1 साल में डबल हो जाए या 2 साल में डबल हो जाए। बस केवल 25% कमाना चाहता हूँ मैं मार्केट से, जो कि किसी भी अच्छे स्टॉक के अंदर अगर मैं लगा दूँगा तो वो हो जाएगा। और अपनी कैपिटल एक ही स्टॉक में मत लगा के रखना। मैं कई बार बताता हूँ आपको कि अपनी कैपिटल को कम से कम 10 पार्ट में डिवाइड कर लीजिए। किसी भी एक पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर आपकी कैपिटल का 10% से ज़्यादा पैसा ना लगा हो। ये मेरी अपनी कैलकुलेशन है दोस्तों। आपको जैसा भी मैंने जैसा बता ही रखा है आप लोगों को, मेरी जो वीडियो होती है वो एजुकेशनल पर्पज़ के लिए होती है। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, आप लोगों को जैसा अच्छा लगता है आप वैसे कीजिए, लेकिन ये मैं अपनी एक अपने हिसाब से आप लोगों को बता रहा हूँ। और मैं मान के चल रहा हूँ कि मैं 25% कमा लूँगा, और मैं जो इन्वेस्ट कर रहा हूँ वो 30 ईयर्स के लिए कर रहा हूँ। 30 ईयर्स मतलब मैं अपने आप को ये मान के चल रहा हूँ कि मैं 30 ईयर्स तक अपने इस 1 लाख रुपये को बचा के रखूँगा और 25% ही कमाऊँगा। बहुत ज़्यादा मुझे नहीं सोचना है। तो दोस्तों, आप देखोगे जो मैंने 1 लाख रुपये इन्वेस्ट कर रखे हैं 30 ईयर्स के लिए, अगर मैं 25% कमाने मैं सक्सेसफुल हो जाता हूँ तो मेरा जो कैपिटल है दोस्तों वो 8 करोड़ हो जाएगा। मेरा प्रिंसिपल अमाउंट 1 लाख रुपये है, टोटल जो इंटरेस्ट दिखा रहे हैं यानी कि जो भी हमारा टोटल प्रॉफिट होगा दोस्तों इस 30 साल के अंदर वो 8 करोड़ रुपये का होगा, और मेरी टोटल वैल्यू हो जाएगी 8 करोड़ 8 लाख रुपये। तो आप देख सकते हैं कितना मैजिक सा लग रहा होगा आप लोगों को, मतलब हो सकता है आप लोगों को ना लग रहा हो लेकिन मेरे लिए तो ये काफ़ी मैजिक है कि अगर केवल हम लोग 25% ही मेंटेन कर लेते हैं अपना तो इनफ है। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।